Welcome everyone. Today we are going to solve this grammar quiz. Okay? So, if you know the answer of these questions that I'm going to display on the screen, you can write your answers in the comment section below. So, without wasting time, let's start with the first question. The first question is Does she dash my name? Now, here are three options for you No. So the first one is No's. Second one is Known. And the third one is No. ना फर्स्ट वाला इसलिए नहीं आएगा नोज़ क्योंकि आ, जो है प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं ये तो सही है लेकिन ऑलरेडी सेंटेंस में डज आ रहा है ठीक है एस का फॉर्म ऐड हो रहा है इसलिए हम नोज़ का यूज़ नहीं करेंगे नोन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सेंटेंस के टेंस के हिसाब से वो सूट नहीं हो रहा है सी जो है वो है नो ठीक है तो इस सेंटेंस में जैसा कि मैंने बताया आपको सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है दूसरी बात ऑलरेडी आ रहा है तो इसलिए मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगी शी नो माई नेम तो यहाँ पर जो है फर्स्ट सी फर्स्ट का आंसर होगा सी डा शी नो माई नेम सेकंड क्वेश्चन इज आई एम टीचिंग डैश टू थाउजेंड सिक्सटीन आई एम टीचिंग डैश टू थाउजेंड सिक्सटीन थ्री ऑप्शन आर देयर फॉर यू ए है फॉर बी है सिंस और सी है टू अब फॉर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पीरियड ऑफ टाइम को uh, जो है सेंटेंस uh, में आप देख रहे हैं होंगे कि जो टाइम है स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है तो जब भी सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन होता है किसी का, काम का तब हम सेंस को यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा आई एम टीचिंग सिंस टू थाउजेंड सिक्सटीन द थर्ड क्वेश्चन इज आई वॉन्ट टू डैश यू द ट्रुथ ठीक है आई वॉन्ट टू डैश यू द ट्रुथ थ्री ऑप्शंस आर देयर फॉर यू से टेल सेड से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस को इन जनरल नहीं कहा गया है और दूसरी बात सिर्फ स्पीकर मैंशन नहीं है सेड hmm? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है प्रेजेंट सॉरी पास्ट में नहीं है पास्ट में होता अगर सेंटेंस तो सेड लगा दे टेल आएगा वाई वाई वी आर यूजिंग टेल क्योंकि जब भी सेंटेंस में Uh, जो है स्पीकर और रिसीवर दोनों मेंशन हो और ऐसी बात कही जा रही है जिससे आपको पता चले कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों सेंटेंस में मेंशन किया गया है सेंटेंस प्रेजेंटेंस में भी है दिख रहा है आप लोगों को इसलिए टेल का यूज करेंगे हम ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर शी डैश सिस्टर हैव अ सिस्टर और हैज़ अ सिस्टर सेंटेंस जो है सेंटेंस uh, uh, में सब्जेक्ट जो है वो शी है रिमेंबर वन थिंग जब भी सेंटेंस में ही शी और इट आएगा हम हैज़ का यूज़ करेंगे और यू वी दे आएगा हम हैव का यूज़ करेंगे अब यहाँ पर जो है शी आ रहा है इसलिए तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे सो फर्स्ट वन ए ठीक है फोर्थ का आंसर है ए हैज शी हैज़ अ सिस्टर फिफ्थ क्वेश्चन है गर्ल्स ऑफन डैश विद डॉल्स ठीक है प्लेज विद डॉल या प्ले विद डॉल प्लेज इसलिए नहीं आएगा वर्ब के साथ हम एस तब लगाते हैं जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो और दूसरी बात सब्जेक्ट सिंगुलर हो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लूरल है गर्ल्स इसलिए हम जो है प्ले का प्ले कहेंगे ठीक है गर्ल्स ऑफन प्ले विथ डॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल बी डैश टमोरो आई विल बी कम टुमोरो और आई विल बी कमिंग टुमोरो सेंटेंस जो है सेंटेंस में आप देख रहे हैं सेंटेंस में बी आ रहा है दैट मीन्स जो है और बी विल और बी दोनों आ रहा है अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला देखेंगे जैसे जो मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाया था विल भी हम तब लगाते हैं जब हमको कोई सेंटेंस बताना हो कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस में है ठीक है विल भी आ रहा है बी के बाद हमेशा वर्ब विथ आई एन जी आएगा यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी ठीक है कम नहीं आएगा कमिंग आएगा कम ठीक है तो आई विल बी कमिंग टू सेवेंथ क्वेश्चन इज द डैश ऑफ़ द रेडियो इज़ वेरी लाउड वॉइस ऑफ द वेडियो रेडियो और साउंड ऑफ़ द रेडियो अब यहाँ पर वॉइस हम किसी लिविंग थिंग की आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं ठीक है और साउंड जो है हम नॉन लिविंग थिंग की आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं रेडियो जो है एक नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हम कहेंगे साउंड ऑफ़ द रेडियो इज़ वेरी लाउड ओके आंसर इज साउंड एट क्वेश्चन है आई डेंट डैश यू दैट आस्क यू दैट और आस्ट यू दैट आज जो है फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी और आज जो है सेकेंड फॉर्म है अच्छा डेंट आ रहा है यानी ऑलरेडी सेंटेंस जो है पास्ट में है ये हमने मैं शायद पिछले वीडियो में भी देखा था ये क्वेश्चन दे uh, आ रहा है यानी सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है अब इसको हम इसके साथ हम हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है डिट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है तो हमेशा की तरह यहाँ पर भी डिट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेंगी जो है आस्क ठीक है आई डिंट आस्क यू दैट नाइन्थ क्वेश्चन है वेर डैश शी लीव ठीक है अच्छा जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा शी शी इट के साथ हैज लगता है उसी तरह यहाँ पर याद रखना है ही शी इट के साथ डज लगता है और यू वी दे के साथ डू लगता है ठीक है अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरा शी है ठीक है तो मैं क्या लगाऊंगी डज लगाऊंगी डश डिली ठीक है वेर डस्ट शिली वो कहाँ रहती है द लास्ट क्वेश्चन इज आई विल कम लेट डैश नाइट इन नाइट और एट नाइट रिमेंबर इन द मॉर्निंग होता है इन द आफ्टरनून होता है इन द इवनिंग होता है लेकिन जब हम रात की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमको कॉन्सेप्ट प्रिपोजेशन यूज करना है ऐट ठीक है तो ऐट द नाइट आई विल कम लेट एट नाइट ओके द टेंथ क्वेश्चन का जो है आंसर है एट तो ये जो थे आज हम लोगों ने ग्रामर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पर जो है हम हमारा टेस्ट ओवर कर रहे हैं हमारा वीडियो एंड कर रहे हैं होप दिस विल बी हेल्पफुल थैंक यू फॉर वॉचिंग